वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी ईद आने से पहले जो है लड़कियों को टेंशन पड़ जाती है कि यार हमारी जो स्किन है वो नीट क्यों नहीं है और हम इसको जल्दी से ऐसा क्या करेंगे हमारी स्किन जो है ईद से पहले पहले साफ सुथरी हो जाए। कुछ लड़कियाँ औरतें पॉलर जाती हैं अपनी स्किन पर, तरह तरह की चीज़ें करवा के जो है अपनी स्किन को साफ सुथरा करवा लेती है। अब जो पॉलर नहीं जा सकती वो लड़कियाँ क्या करें? आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मास्क बताने वाली हूँ। वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा और मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आप लोगों को सबसे पहले मास्क बनाने का तरीका बताती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाऊंगी। और अब क्या करते हैं, चलते हैं सीधा मास्क बनाते हैं। अच्छा जी, तो हमें मास्क बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है जी जेलेटिन। जेलेटिन पाउडर ये आपको जो है किसी भी स्टोर से ईजिली मिल जाएगा। ये तकरीबन 70-80 का ये पैकेट आता है एक, ठीक है? तो ये जेलेटिन पाउडर आपको चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए दूध चाहिए, ठीक है? दूध मैं आपको बता दूंगी कि कितना हमने ऐड करना है। दूध हमने लेना है नीम गर्म, ठीक है? नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा जो है हमने दूध ले लेना है, ठीक है? बाद हमें चाहिए सीरम। सीरम अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप कोई भी वाइटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कॉफ़ी। कॉफ़ी हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए, तीन से चार चीज़ें। हाफ टी स्पून जो है मैं इसमें कॉफ़ी ऐड करूँगी। 3 टीस्पून जो है भर भर के मैं इसमें जेलेटिन पाउडर ऐड करूँगी। जो है इतना सा हम इसमें दूध ऐड करेंगे जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 टीस्पून या 2 टीस्पून इसमें जो है मैं दूध में डाल के इसको जो है मिक्स कर लूँगी अच्छे से। हम इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा करके जो है दूध ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला सा नहीं बनाना है, बस तकरीबन इतना काफ़ी है। और इसको आपने जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये याद रखना है कि दूध आप लोगों ने जो है गर्म लेना है, नीम गर्म सा दूध लेना है आपने, ठीक है? ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसको। तब तक आपने इसको चम्मच को हिलाते रहना जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसके अंदर जो ये ज़रे ज़रे से नज़र आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए, बिल्कुल हमें प्लेन चाहिए। ऐड कर दूँगी सीरम का। आपके पास अगर सीरम नहीं है तो प्लीज़ आप जो है कोई भी वाइटामिन का कैप्सूल जो है वो ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा मास्क है वो अच्छे तरीके से हो गया है मिक्स। ये देखिए हमारा मास्क जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आपने इसको रेडी करते साथ ही अपने फेस पे अप्लाई करना है। इसको हमने रखना नहीं है क्योंकि इसके अंदर जेलेटिन होता है तो वो फ़ौरन से जम जाता है। हम इसको जल्दी से अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे बालों के ऊपर बिल्कुल भी ना लगे। हेयर बैंड वगैरह अगर आपके पास है तो उससे आप जो है कवर कर सकते हैं अपने बाल। चले जी, अब हम इसको जो है अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अपनी आईब्रोज वगैरह जो है इनसे जो है इसको बचाना है क्योंकि ये हार्ड होके ये उतरेगा हमारी स्किन से। तो हम इसको बालों से जितना हो सके उतना बचाएंगे इसको। ये देखें अभी मैं लगा रही हूँ तो लगाते ही ये थोड़ा सा हार्ड होने लग गया। तो जो है इसको हम जल्दी जल्दी से अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। कर लिया है। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि इसको जब तक ये ड्राई नहीं होगा अच्छी तरह जो है आपने ध्यान रखना है कि अच्छी तरह जब ड्राई हो जाएगा ना बिल्कुल, तो आपने फिर इसको उतारना है। और इस दौरान आपने बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है और बहुत ज़्यादा अपना मुंह नहीं हिलाना, आंखें नहीं हिलानी है क्योंकि हमारे जो है ना रिंकल्स पड़ सकते हैं जब ये थोड़ा सूखेगा ड्राई होगा। तो जो है आपने इसको लगा के इसके बाद ज़्यादा बोलना नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, तो ये ड्राई हो चुका है, मैं बोलूँगी नहीं ज़्यादा, कन्फर्म हो गया जो है उस कटोरे में।
करीब से दिखा देती हूँ कि कितना नीट हो गया फेस। इस मास्क को लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो फेशियल हेयर होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं, डेड स्किन रिमूव होती है। जो कॉफ़ी हम इसके अंदर ऐड करते हैं उससे जो है आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है बहुत ज़्यादा। वाइटमिन जो सीरम आप कोई भी ऐड कर लें या वाइटमिन के कैप्सूल ऐड कर लें उससे आपकी स्किन ग्लो करती है। कॉफ़ी से आपकी स्किन का जो कलर है वो फेयर भी होता है, और जो हम इसके अंदर दूध ऐड करते हैं उससे भी हमारी जो स्किन का कलर है वो फेयर होता है। जेलेटिन जो है हमारी स्किन की सारी डेड स्किन और जो है जो हमारे जितने भी फेशियल हेयर होते हैं वो सारे रिमूव कर देता है। तो इसलिए जब हमें सारी चीज़ें एक मास्क में मिल रही हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो लाजमी ट्राई करें। तो आप ईद से पहले इसको 2 से 3 दफ़ा ट्राई कर लें, आपका जो फेस है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा, इसको फेस वॉश करने के बाद आपने एक और चीज़ करनी है, आपने जो है आइस क्यूब लेके इसको 2 मिनट जो है इसका मसाज करना है, और इसको इतना रगड़ना नहीं है अपनी स्किन के ऊपर। आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर जो है सारा आइस क्यूब अच्छी तरह से इसका मसाज करना है अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि मैंने अपने वीडियो के ऊपर कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाया हुआ, तो अभी मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है इसको लगाने के बाद। पहले वाली भी आप देख चुके हैं मेरी स्किन, और अभी वाली भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्लो कर रही है। 2 मिनट जो है इसका आपने मसाज करना है आइस क्यूब का, और 2 मिनट मसाज करने के बाद आपने जो है अपना फेस जो है चाहे उस पर आप कोई क्रीम लगा कर तो है उसको सेट कर लें, कोई लोशन वगैरह, कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें, कोई सीरम वगैरह लगा लें। जो है इसको आपने 2 मिनट के बाद अपने फेस पे को अच्छे से ड्राई करके फेस के ऊपर कुछ लगा लेना है। तो आई होप आप लोगों को जो है आज की वीडियो, आज का जो ये मास्क वाली रेमेडी है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।